रामपुर गांव में सुधा अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहती थी। उसे पिज्जा खाने का बहुत शौक था। गौरव बेटा, आज मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, बाजार से जाकर मेरे लिए एक पिज्जा ले आ। यह सुनकर गौरव बोलता है, अरे माँ, बुढ़ापे में पिज्जा खाने की भी कोई चीज होती है? ये तो छोटे बच्चों की चीज होती है खाने की, आप तो दाल रोटी खाओ और मजा करो। अरे मन तो मन होता है, बुढ़िया हो गई तो क्या हुआ, बूढ़े लोगों का मन नहीं होता क्या? अरे माँ, तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, ले आऊंगा तुम्हारे लिए मैं पिज्जा। कुछ देर बाद गौरव अपनी माँ के लिए पिज्जा लेने के लिए चला जाता है और पिज्जा लेकर वापस आ जाता है। फिर वहाँ दोनों मजे से पिज्जा को खाते हैं। फिर एक दिन गौरव अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तभी उसे एक पिज्जा की शॉप दिखती है और वहाँ पर रुककर सोचता है, आज माँ के लिए पिज्जा लेकर जाता हूँ, वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। इतना सोचते ही गौरव पिज्जा लेने के लिए चल जाता है और पिज्जा लेकर घर की तरफ लौट जाता है। फिर तभी जैसे थोड़ी आगे जाता है, उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत देर हो जाने पर जब गौरव घर नहीं लौटता है तो उसकी माँ चिंता में उसके पास फोन लगाती है, लेकिन गौरव का फोन नहीं लगता है। फिर कुछ देर बाद सुधा को अनजान नंबर से कॉल आता है। फिर गौरव के मरने की खबर मिलती है। यह सुनकर सुधा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और फिर वहाँ फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है, ए भगवान, ये अचानक क्या हो गया? मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा मेरा बेटा ही था, वो भी तूने छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? सुधा को रोते देखकर सभी उसे सहानुभूति देकर वहां से चले जाते हैं। फिर सुधा उसकी लाश को जला देती है और फिर सुधा घर में अकेली रह जाती है और गौरव की बातें सोचकर वहां रोने लगती है। सुधा के बेटे के मरने के बाद उसके घर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। सुधा के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ होता है। सुधा पड़ोसियों के पास खाना मांगने के लिए जाती है और कहती है, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। अरे अम्मा, मैं तुम्हें खाना खाने को जरूर दे देती, पर अभी तो मेरे घर में खाना खत्म हो गया है, सबने खाना खा लिया। इतना कहकर वहाँ औरत अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है और कोई भी सुधा को खाना नहीं देता है। सभी उसे कुछ न कुछ बहाना बनाकर भगा देते थे। फिर सुधा अपनी हालत को देखकर कुछ सोचती है, अगर मेरा बेटा आज जिंदा होता तो मेरी ये हालत कभी नहीं होती। वो सबकी मदद किया करता था, पर आज सब भूल गए हैं कि मेरे बेटे ने एक समय पर उनकी मदद की थी। आज उसकी माँ को मदद की जरूरत है, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है और सुधा से कहती है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? सुधा रोते रोते हुए उस औरत को अपना दुख बताती है। क्या बताऊँ बहन, मेरे बेटे के मरने के बाद मुझ बेसहारा का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अकेले मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। सुधा की पूरी आपबीती बताने के बाद वहाँ औरत उससे कहती है, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, खाने के लिए कमाई का कोई जरिया ढूंढना ही पड़ेगा। आजकल तो खाने पीने की इतनी सारी चीजें आ गई हैं और उन्हें बनाना भी आसान हो गया है। जो भी तुम्हें पसंद हो, जो भी तुम्हें आता हो, उसे बनाकर बेचने लगो। इतना बोलते ही वह औरत वहाँ से चली जाती है। सुधा अब सोचती है कि अब ऐसा क्या किया जाए। फिर सुधा को पिज्जा का ख्याल आता है और वहाँ कहती है, क्यों ना मैं पिज्जा बनाकर बेचूं, इससे कुछ पैसे भी घर में आ जाएंगे। सुधा अपने रखे हुए जेवर को बेचकर अपने घर के सामने एक पिज्जा का ठेला लगा लेती है और फिर वहाँ पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। धीरे धीरे उसका पिज्जा काफी फेमस होने लगता है और फिर वहाँ सुधा एक बड़ी दुकान खोल लेती है। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़िया चलने लगती है और वहाँ पर अमीर बन जाती है। एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा बच्चा आता है और वहाँ खाना मांगता है। अम्मा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम अकेले दुकान में क्यों घूम रहे हो? अम्मा, मेरा नाम मोहन है, मैं एक अनाथ बच्चा हूँ, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे अम्मा। हाँ हाँ, जरूर खाने को मिलेगा, तुम जो खाना चाहो वो खा सकते हो, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। ये कहकर सुधा उस बच्चे को गले लगा लेती है और अपने घर पर ले जाती है। सुधा को उस लड़के में अपने बेटा नजर आता है, इसलिए वह उसे उसका अच्छे से ख्याल रखती है, वह उसे स्कूल भेजती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और कहानियां देखने के लिए।